ईयर और सेकंड ईयर इंटीग्रेटेड क्लास थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आप पढ़ रहे हैं टीचिंग एड। टीचिंग एड में आज आप पढ़ेंगे चित्र। सेकंड ईयर में ये नॉन प्रोजेक्ट में है और नॉन प्रोजेक्ट में भी ये ग्राफिक यानी प्रतीकात्मक में है और फर्स्ट ईयर में ये आपके श्रव्य दृश्य सामग्री में है। चित्र को दृश्य सामग्री में यानी कि विजुअल एड्स में माना जाता है। तो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में ये विजुअल एड के अंदर आता है, दृश्य सामग्री में आता है और सेकंड ईयर बीएड सेकंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर ये इसमें आपके प्रतीकात्मक सामग्री ग्राफिक सामग्री में आता है। पहले हम मानचित्र पढ़ चुके हैं, उसी के आगे आज पढ़ रहे हैं चित्र। प्रत्येक वस्तु का प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता यानी मॉडल नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये कार्य कठिन होता है और समय भी अधिक लगता है क्योंकि ये हार्ड वर्क है मॉडल बनाना और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हम उसके स्थान पर क्या करते हैं, चित्रों का उपयोग करते हैं। और शिक्षण का शिखर बनाने के लिए शिक्षक जो है वो इतिहास में या इतिहास विषय के लिए अनेक प्रकार के चित्रों का उपयोग करता है। और वास्तव में चित्र का उपयोग छोटी कक्षाओं में ही किया जाना चाहिए ताकि विषय वस्तु को क्या किया जा सके, समझाया जा सके। अब जब हम इन चित्रों का प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले छात्रों की कल्पना शक्ति विकसित होती है, इमेजिंग पावर जिसको हम कहते हैं। साथ में इतिहास शिक्षण को सजीव बनाया जा सकता है, नेचुरल बनाया जा सकता है, छात्र उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। छात्र विश्लेषण करना सीखते हैं यानी एनालिसिस कर पाते हैं आराम से विषय वस्तु और चित्र को देख करके। चित्र को दिखाया और विषय वस्तु को समझाया तब आप विश्लेषण यानी उसको व्याख्या करने का अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। चित्र से ऐतिहासिक तथा वास्तविक वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट और हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट लाया जा सकता है। और छात्र विषय पर अवधान देते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं यानी कि फोकस करेंगे सब्जेक्ट पर और साथ में इंटरेस्ट लेंगे जब चित्र को हम दिखाते हैं। इसके साथ में ही जो छात्र हैं वो कलात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है यानी कि हम जिसको कह सकते हैं कि उनमें आर्ट के बारे में कला के बारे में ज्ञान उत्पन्न होता है, वो चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। मौखिक व्याख्या की अपेक्षा चित्र जो है वो विषय वस्तु को शीघ्रता से समझाते हैं यानी जब चित्र को स्पष्ट किया जाए तो साथ में चित्र के साथ में जब व्याख्या प्रस्तुत होगी तो विषय वस्तु को वो अच्छी प्रकार से समझेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ओरल जो लेक्चर है उसकी अपेक्षा चित्र और उस विषय वस्तु का जो वर्णन है उसको समझाना चाहिए। अब देखें इसमें आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए। एसेंशियल जो इस पिक्चर है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। चित्र सरल हो, इजी वे में बने हुए, आकर्षक हो यानी अट्रैक्टिव हो। चित्र प्रकरण के अनुसार हो, जो हमारा टॉपिक है उसके अनुसार हो। ऐतिहासिक विचार दे, कक्षा अनुसार चित्र का आकार हो यानी कि कक्षा में जब चित्र दिखाया जा रहा है तो एक चार्ट का जो आकार है वो पूरा होना चाहिए। इसके साथ में ही चित्र पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उटपटांग बना दिया जाए और वो लगे ही नहीं वो है। जैसे ताजमहल का चित्र है उसको वास्तविक बनाने के लिए वैसा ही कलर वैसे ही गुंबद बनाने का प्रयास किया जाए, ऐसा ना हो कि कुछ और बन दिखे वो चित्र के रूप में। अधिक खर्चीला ना हो, उचित रंगों का प्रयोग हो और चित्र प्रमाणिक हो, अर्थपूर्ण हो यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार विषय के अनुसार हो और विषय की व्याख्या को चित्र स्वयं ही प्रस्तुत कर रहा हो यानी इसमें कुछ तिथि रेखाएँ तिथियाँ लिखी जा सकती है, डेट लिखी जा सकती है, सन लिखे जा सकते हैं। साथ में जैसे महात्मा गांधी का चित्र बता रहे दांडी यात्रा कर रहे हैं वो नमक उठाते हुए, साथ में उसकी कब बनाया गया, किस तारीख को था, कितने व्यक्ति थे, वो साथ में लिख दिया जाए तो उसको विषय वस्तु को सरलता से समझ सकता है। चित्र द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति, विचार प्रक्रिया, तर्क निर्णय शक्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता है यानी इमेजिंग पावर, थॉट प्रोसेस और जितने भी डिसीजन पावर है उसको बढ़ाया जा सकता है। जिन विद्यालयों में अलग से इतिहास हो वहाँ पर इस प्रकार के जो चित्र हैं वो उस कक्ष में काल क्रम के अनुसार यानी क्रोनोलॉजी के अनुसार यानी टाइम पीरियड के अनुसार चित्रों को लगाया जाए जिससे कि आसानी से उस विषय वस्तु को समझा जा सके।
अब सावधानी क्या रखनी चाहिए? चित्र को टांगते समय कोई आवाज़ ना हो, उचित स्थान पर टांगे ताकि सभी छात्रों को दिखाई दे, उचित समय का ध्यान रखें यानी प्रकरण में जो टॉपिक चल रहा है जिस समय चल रहा है उस समय ही उसको लगाया जाए, और मात्र प्रदर्शन नहीं हो बल्कि व्याख्या भी उसमें हो, कुछ प्रश्न भी पूछे जाएं। यानी जब हम चित्र लगा रहे हैं, चित्र उस विषय संबंधित है तो उस विषय की व्याख्या भी करें हम साथ में कुछ प्रश्न भी करें, और जो चित्र है वो प्रकरण या विषय पर आधारित हो, ऐसा ना हो कि जो इस विषय से संबंधित ही नहीं हो। और चित्रों का प्रयोग इतिहास विषय में तथ्यों को आसानी से कक्षा कक्ष में हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को समझा सकते हैं। तो आज हमने पढ़े चित्र। थैंक यू।